आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज बात करने वाली हूँ हमारी एड़ियों की, जो हमारा भार उठाती हैं हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती और उनकी हम बिल्कुल भी कद्र नहीं करते, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। फेस पर तो न जाने तरह तरह की मॉइस्चराइज़र क्रीम्स लगाते हैं, यू नो, फेशियल्स कराते हैं, सीरम्स लगाते हैं, हाथों की भी थोड़ी बहुत केयर कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन पैरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। और यही रीज़न है कि पैरों की एड़ियाँ मोस्टली लोगों की फटी रहती हैं। विंटर्स में तो किसी तरह से सॉक्स के नीचे, शूज़ के नीचे छुपा लेते हो, तो समझ में क्या करोगे, समझ में तो ये यू नो, दिखेंगी ही। दिखे ना दिखे, आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए अपनी एड़ियों का। तो आज आपके लिए लेकर के आई हूँ फटी एड़ियों को दूर करने का एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन, जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी फटी एड़ियों को एक ही दिन में दूर करने के लिए। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू। हैरान हो गए ना, मैं आपको बता दूं, आलू खाने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आलू के स्टार्च में आपकी फटी कटी सूखी स्किन को हील करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक आलू। आलू को आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, गंदा नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी होती है आलू में, कई बार उसमें बैक्टीरिया भी होता है, तो वो कहीं आपकी स्किन को और ना ख़राब कर दे। बहुत अच्छे से वॉश करना है एंड उसके बाद आपने आलू को पील करना है, और पील करने के बाद आप आलू को ग्रेट करेंगे कद्दूकस की हेल्प से, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रेट कर लेंगे या मिक्सी में घुमा लीजिएगा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिएगा। तो ये इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है आलू को, और इसको स्क्वीज़ करके मैं इसका रस निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से आलू का रस हमें मिल जाएगा 3 से 4 चम्मच। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, दरारें भरने का भी काम करता है, और अगर पेन वगैरह है तो उसको भी दूर करता है, कहीं सूजन है आपकी स्किन में तो उसको भी दूर करता है, बिकॉज इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन है आपके पैर में, एड़ियों में, तो वो भी दूर करेगा एलोवेरा जेल। फ्रेश भी ले सकते हो एलोवेरा जेल, या फिर आप मार्केट वाला भी ले सकते हो, तो जो आपके पास है कंफर्टेबली उसको यूज़ कीजिएगा। और जो ऐड करना है वो है विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल्स। विटामिन ई आपकी स्किन के रूखेपन को, सूखेपन को दूर करता है। विटामिन ई आपकी स्किन को डीपली नरिश करता है। विटामिन सी आपकी स्किन की दरारें भरने का भी काम करता है। तो यहाँ मैं 3 कैप्सूल्स विटामिन ई के ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। ये सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, बिकॉज इसका एप्लीकेशन किस तरीके से आप करेंगे ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इस तरह का सॉल्यूशन आपका बन करके तैयार हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर स्किन। उसके लिए आप क्या करेंगे, रात को सोने से पहले ही ये ट्रीटमेंट आप देंगे अपने पैरों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू या फिर थोड़ा सा बॉडी वॉश आप डालेंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, और 2-3 नींबू के छिलके आप ऐड कर दीजिएगा। एंड उसमें अपने पैरों को आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखना है, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो इस ट्रीटमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो सके, और अगर कोई गंदगी है आपके पैरों में तो वो पूरी तरह से दूर हो सके। तो ये प्री ट्रीटमेंट आपने ज़रूर ज़रूर देना है अपने पैरों पर। इस तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए अपने पैरों को इस पानी में रखिए। लूफा है तो उससे हल्का हल्का रब कर सकते हो आप, ताकि जो भी डेड स्किन है वो निकल जाए, और इससे थकान भी दूर होगी आपके पैरों की। एंड उसके बाद रात को सोने से पहले आपने ये जो सोल्यूशन है ये अपने पैरों पर लगाना है। याद रखिएगा, इसको धोना नहीं है, 6-8 घंटे इसे जब लगा रहने देंगे आप अपनी स्किन पर, तो ये जो असर दिखाएगा ना वो बहुत बहुत नायाब होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर आपकी ड्राई स्किन है पैरों की तलुओं पर, जहाँ जहाँ आपकी दरारें हैं वहाँ इसे लगा लेंगे। अच्छा, अगर दरारें बहुत डीप हैं, बहुत ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप लेमन मत ऐड करना, बिकॉज लेमन फिर वहाँ पे आपको जलेगा, थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन देगा। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल दरारें सॉफ्ट हैं, लाइक बहुत ज़्यादा
हार्ड नहीं है और ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है तो आप लेमन ऐड कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इस तरीके से आपने पूरा अच्छे से अप्लाई किया पैरों पर, और उसके बाद आप इसे एज इट इज़ रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में ये अपने आप ड्राई अप हो जाएगा, आपकी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो क्लिंग फिल्म से अपने पैरों को रैप करके सॉक्स पहन के रात को सो सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करेंगे। इसको धोना नहीं है आपको, इसे 5-6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए अपने पैरों पर लगे रहने देना है। और लगा कब रहेगा? जब आप रात को सोते हुए ये ट्रीटमेंट करोगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिएगा अपनी स्किन में। प्लीज़ डिहाइड्रेटेड बिल्कुल मत रखिएगा अपने आप को। समर्स हो विंटर्स हो, 10-12 ग्लास पानी आप डेली पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं सबसे पहला असर उसका आपके पैरों पर आता है, क्योंकि पैरों तक ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है और वहाँ पे स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है। दूसरा, नंगे पैर नहीं चलना है, हमेशा चप्पल जूते पहन करके रखने हैं। और तीसरी चीज़, हमेशा रोज़ जैसे आप फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, जैसे फेस पर नहाने के बाद कुछ ना कुछ क्रीम सिरम टोनर लगाते हैं, अपने पैरों पर भी कोई एक नरिशिंग क्रीम जरूर लगाएं। कुछ क्रीम नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपली आप ग्लिसरीन और रोज वाटर का सॉल्यूशन बना करके रख लीजिएगा, एंड इक्वल अमाउंट में दोनों को लेना है। एंड उस सॉल्यूशन को रोज रात को सोने से पहले या फिर नहाने के बाद अपने पैरों पर हल्का हल्का लगा लेना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना नहीं तो चिपचिप करेगा। हल्का सा 2 ड्रॉप भी लगाओगे ना तो आपके पैर कभी नहीं फटेंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैं ऐसा ही करती हूँ रोज़ाना। अपने पैरों पर, हाथों पर ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का सॉल्यूशन ज़रूर लगाती हूँ, और हाथ पैर बहुत कोमल रहते हैं, बहुत फ्रेश रहते हैं, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, और नहाते हुए लूफा ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी डेड स्किन हो अपने पैरों की, तुरंत आपने निकाल देनी है। 2 से 3 बार हफ्ते में आप लूफा से अपने पैरों को या फिर प्यूमिक स्टोन से अपने पैरों को ज़रूर रब कीजिए, ताकि डेड स्किन टाइम टू टाइम निकलती रहे और आपकी एड़ियाँ जो है वो फटे नहीं। तो ये छोटा सा काम करने की ज़रूरत है एंड यू आर सॉर्टेड। और ये रेमेडी तो है ही इफेक्टेड, अगर हो गई हैं फटी एड़ियाँ तो फटी एड़ियों को दूर करेगी, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एंड विद इन 2-3 डेज आपके पैर हो जाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, बहुत ही मुलायम। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। एंड ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए अभी, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे नोटिफिकेशन। एंड मैं मिलूंगी आपसे एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।